कुछ खास खबरों की ओर। कोरोना संकट के बीच मजदूरों का पलायन जारी है। इसी बीच मजदूरों की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ताजा मामला यूपी के कन्नौज जिले का सामने आया है। यहां चंडीगढ़ अमृतसर से अपने घर मध्य प्रदेश जा रहे मजदूरों की पीड़ा दयनीय हो गई है। पैदल और साइकिल से निकले मजदूरों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इनके पैरों में छाले हो गए हैं। साथ ही इस बीच एक मजबूर माँ ने बच्चे को सड़क पर ही जन्म दे दिया। रास्ते में महिला ने बच्चे को जन्म देने के बाद शारीरिक पीड़ा के दर्द को बयां किया। वाकई में दिल भर आया। वहीं मजदूरों ने सिकंदरपुर इलाके में बैठकर सरकार से मदद की गुहार लगाई। क्या नाम है इनका? आपका? अनीता। कहाँ से आए आप लोग? चंडीगढ़ से। कहाँ जा रहे थे? मध्य प्रदेश सिंगरौली जिला में। कितने लोग हैं आपके साथ में? कम से कम तो 10-20 लोग होंगे और तो आगे निकल गए। बच्चा ये किसका है? बच्चा ये किसका है? मेरा बच्चा है। तो बोलो। बस चार रास्ते में हो गया। हाँ। हम चल फिर नहीं पा रहे हैं, थक गए हैं। हमको कोई गाड़ी का साधन मिल जाए। बच्चा कितने दिन का हो गया? 8 दिन का बच्चा हो गया। कितने दिन का? 8 दिन का बच्चा हो गया। कितने दिन हो गए चलते चलते? चलते चलते तो कम से कम 10-15 दिन हो गया। अब आप लोग चल नहीं सकते? अब नहीं चल सकते, थक गए हैं। काल चक्कर आ गया, गिर गई। आप लोग कहाँ पे आए हैं? ये तो कोई पता नहीं मैं कहाँ पे आई। मैं गाँव ना जाना। कहाँ पे आई हैं आप? सिकंदरपुर चौकी पे आए हैं। क्या करने आई हो? यहाँ मदद मांगने आए हैं कि कोई व्यवस्था हो जाए गाड़ी का, हम घर जा सकते हैं। कोई मिला आपको? कोई ना मिला, बस यही आके खड़े हुए हैं। कोरोना संक्रमण के बीच गौशाला में प्रधान सचिव की बड़ी लापरवाही सामने आई। भूख प्यास से तड़प कर गोवंश मर गए। इसमें सचिव में गौशाला में गड़वा दिया। क्षेत्र में ग्रामीणों के बीच जमकर आक्रोश फैल गया। उनका कहना है कि इससे कोरोना संक्रमण फैलने के चांसेस और बढ़ गए हैं। पूरी घटना कन्नौज के चिब्रामऊ क्षेत्र के जमुआई अस्थायी गौशाला की है। सुपौल में नाले का पानी आमजन के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। इससे क्षेत्रवासियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कोरोना संकट का भी खतरा बढ़ गया है। पानी सड़क पर जमा होने से बीमारी को खुला न्योता दे रहा है। इसका समाधान इस भयंकर बीमारी के बाद भी नहीं हो पाया, जिसमें आम लोग आक्रोशित हो रहे हैं। सुपौल नगर परिषद वार्ड 20 और 22 की समस्या देखकर रहवासियों में खासी नाराजगी देखने को मिली है और जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान ही नहीं। दोनों नाला जो है दोनों फुल है, ओवरलोड है, जो पानी निकासी नहीं हो रहा है, जाम है नाला, तो रोड पे ही पानी आएगा। आप लोगों ने यहाँ के वार्ड पार्षद से शिकायत की है इसकी? हाँ, वार्ड पार्षद से जो है आमने सामने बात हुई है कि भाई काम कराइए। हालांकि लिखित में नहीं दिए हैं, लेकिन वार्ड पार्षद का घर बगल में है, उसको दिखाई पड़ता है, रोज वो चलता है इस रोड से, तो उसको तो दिखाई पड़ना चाहिए कि रोड में पानी जल जमा है, उसका साफ सफाई करवाए। समस्या ये है कि जिस तरह आजकल जो कोरोना की महामारी फैली हुई है, उसको मद्देनज़र देखते हुए प्रशासन को, नगर पालिका को ये चाहिए था कि ये जो जल जमाव है, इसको किसी तरह जो है इस परेशानी से निजात मिले। आजकल ये हो रहा है कि इसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं, मच्छर पैदा हो तो उसमें बीमारियां फैल रही है, ठीक है। और कोरोना की तो लक्षण ही है कि बुखार और सर्दी, इसमें कोई भी बीमारी फैल सकती है। इस पर जो है नगर पालिका को और सुपौल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था कि किसी भी तरह इस चीज़ को जो है इस परेशानी से निजात दिलाए हम लोगों को। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में कोरोना संकट के बीच आई राहत भरी खबर। कोरोना से जंग में उज्जैन ने बड़ी जीत हासिल की। उज्जैन में 7 संक्रमित क्षेत्र और कोरोना मुक्त घोषित हुए। मंगलवार को आधा दर्जन से अधिक कोरोना वायरस से संक्रमित क्षेत्र कोरोना मुक्त हो गए हैं, जो कि उज्जैन के लिए एक राहत भरी खबर है। कंटेनमेंट एरिया है, उनको कंटेनमेंट से मुक्त कर दिया है। और इसका कारण है कि 21 दिन से इन एरियाज में कोई भी पॉजिटिव मरीज जो है नहीं आया है, जो गाइडलाइंस हमारी बोलती हैं। ये सिर्फ खुशी की बात है और ये दिखाता है कि इन कंटेनमेंट एरियाज के लोगों ने बहुत ज़्यादा नियमों का पालन किया। वायरस चूंकि इन कंटेनमेंट एरिया में था, लेकिन उन्होंने उसका संक्रमण दूसरी जगह नहीं फैलने दिया और 21 दिनों में वो पूरी तरीके से यहाँ इस क्षेत्र से गायब हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदारी भी और बढ़ जाती है, चूँकि लोगों ने देखा है कंटेनमेंट कितना मुश्किल होता है। इसलिए इनकी जिम्मेदारी भी है कि अब आगे हमारे जो कर्फ्यू और लॉकडाउन के नियम हैं उनका लगातार पालन करते रहें। उज्जैन में बहुत बेहतर स्थिति हुई है। पिछले अगर हम लोग 8-9 दिनों की बात करें तो केवल एक जान जो है वो गई है। निश्चित रूप से हम उसको भी चाहेंगे कि एक भी मृत्यु आगे ना हो, और एक एक जान हमारे लिए कीमती है। लेकिन मृत्यु दर में बहुत ज़्यादा यहाँ पर आया है, सुधार आया है। चिकित्सा व्यवस्था भी काफ़ी जो है वो इम्प्रूव हुई है। लॉकडाउन भी इसके साथ हमारे साथ में है, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने इम्प्रूव किया है।
पहली बार ऐसी स्थिति में हम लोग पहुँचे हैं कि जो ठीक होकर घर जाने वाले मरीज हैं उनकी संख्या जो हमारी ज़्यादा होगी और जो लोग अभी अस्पतालों में भर्ती हैं कोरोना से पीड़ित हैं उनकी संख्या कम होगी। तो बहुत मेहनत से और जनता के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ तक का लक्ष्य हासिल किया है और ये पूरा का पूरा संभव हुआ है जो हमारा बहुत ही स्ट्रांग लॉकडाउन और कर्फ्यू रहा है उसके कारण। अगर ज़रा से भी हम लोग इस पर ढिलाई करेंगे तो हम लोग फिर वापस उसी वापस दशा में पहुँचने वाली स्थिति में हो जाएंगे। तो आप लोगों के माध्यम से पूरी जनता से उज्जैन की जनता से ये मेरी अपील रहेगी कि लॉकडाउन और कर्फ्यू का 10-15 दिनों तक हम लोग और पालन कर लें और जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं राशन की व्यवस्था भी नगर निगम के द्वारा डोर टू डोर करी जा रही है। आगे हम लोग सब्जियां भी अगले 2-3 दिनों में डोर टू डोर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम लोग आपका विशेष ध्यान रखेंगे लेकिन लॉकडाउन और कर्फ्यू ही एकमात्र इसका उपाय है कोरोना से ख़त्म होने का। उस बारे में सभी लोग सहयोग लगातार हमारा करते हैं। नगरी में जो स्थिति बनी है कि 6 कंटेनमेंट एरिया आज मुक्त हो रहा है इसके लिए यहाँ की जनता का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि बिना उनके सहयोग से स्थिति निर्मित नहीं होती। और जहाँ तक लॉकडाउन के पालन का संबंध है तो पिछले 3 दिन में हम लोगों ने फर्स्ट डे 162, सेकेंड डे 199, कल थर्ड डे 198, इससे भी कुल 500 से अधिक मुकदमे हम लोगों ने कहीं किए हैं लॉकडाउन के उल्लंघन में। तो हमारा पूरा प्रयास रहा है कि लॉकडाउन के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, साथ में शालीनता भी रहे, दुर्व्यवहार भी ना हो, लेकिन हर हालत में हम लॉकडाउन को पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं क्योंकि मुझे मालूम है कि इस बीमारी और इस संक्रमण का निजात और कुछ नहीं है। जितने अधिक से अधिक जन सहयोग के माध्यम से पब्लिक को हम कन्विंस कर पाएंगे कि लॉकडाउन ही इसका एकमात्र इलाज है तो हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो इसके हम लोगों ने जन जागरूकता का भी प्रयास किया है, लोगों को समझाया भी है, बताया भी है और उनके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई भी करी है। आप सभी के माध्यम से उज्जैन जिले की जनता का मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उनके सहयोग से ये स्थिति निर्मित हुई है। अभी 6 खुला है, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से हम 2-4 दिन और के लिए खुलेंगे और लॉकडाउन का पालन में हमारा सब लोग सहयोग करें इसके लिए मैं आपके माध्यम से आम पब्लिक को निवेदन करता हूँ। और साथ ही जो हमारी कार्रवाई है उल्लंघन में लगातार जारी रहेगी, जो भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में फ्यूचर सप्लाई चेन रिटर्न इंडिया लिमिटेड कंपनी के अंदर लॉकडाउन के बाद सैकड़ों की तादाद में मजदूर जमा हो गए और फैक्ट्री मालिक पर 2 महीने की तनख्वाह न देने का आरोप लगाकर हड़ताल पर बैठ गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने इनको शांत कराकर आने वाली 20 तारीख को पैसे दिलवाने की बात कही। वहीं इस पूरे घटनाक्रम से क्षेत्र में खौफ का माहौल बन गया जिससे शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी हर खबर हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ जनता की बुलंदाबाज। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का, घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने हाथ धोते रहिए क्योंकि कोरोना से जंग अभी जारी है।